आया है सेल्फी। हट मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नो फॉलिंग देखी। इसको बंद भी कर सकते हैं। ऐसे लग रहा है कि हम इंग्लैंड में फिर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लोग इधर पूरा जो है कर रहे हैं उर्तुगुल गाजी और आके सुमान गाजी दोनों जो है दोनों जनाब अपने कई कबीले का रवाना हुए हैं। माशाल्लाह सुजल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नया साल आप सबको मुबारक हो। अभी हमारा ट्रिप है जनाब मरी जा रहे हैं, पूरी शॉप की टीम जा रही है, साथ हमारे कुछ दोस्त भी हैं, हमारा प्यारा भाई हर व्लॉग में हमारे साथ होता है काशी, ये भी जा रहे हैं, कासिम उस्मान साहब, कासिम साहब, एहसन, हमाद, एहसान भाई, सुलेमान भाई, माशाल्लाह और हमारे काफी फ्रेंड्स जो है ना मरी जा रहे हैं। अभी कोई बंदा भी रोडों पर नहीं है। देखिए ये हमारे पास हमाद भाई भी आ गए जनाब, उसके बाद ये सुलेमान भाई भी आ गए, बाकी सारे दोस्त हमारे पास खड़े हुए हैं। ये गाड़ी भी हमारी रेडी हो गई है, अभी चंद दोस्तों को लेना रास्ते में से। इस बंदे ने हमें 2 घंटे वेट करवाया मौलवी ने। मौलवी पढ़ दे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इधर इधर जनाब ये मेरे मैनेजर साहब भी आ गए हैं, एहसान भाई भी। हमारे सारे दोस्त कम्प्लीट हो गए, आप देख सकते हैं हमारी सारी गाड़ियाँ रेडी हैं, 3 गाड़ियाँ जा रही हैं हमारे साथ ना माशाल्लाह, सारे ग्रुप जा रहे हैं हमारे दोस्तों का और शॉप की सारी टीम है हमारी, 10-12 बंदे हम अपने शॉप के हैं, बाकी सारे हमारे दोस्त जा रहे हैं। मरी में बहुत ठंड है, -4 से -5 टेम्परेचर पहाड़ है, बाकी आपको मरी जाकर शुगल मेला दिखाएंगे। हम पहुंच गए जी अलूर रेस्टोरेंट पे, अभी हम सुबह का इधर से नाश्ता करेंगे, मैंने तो किया हुआ है, फिर पूछेंगे जिन जिन ने नहीं किया हुआ वो अपना नाश्ता कर लेंगे इधर से, तो फिर हम आगे चलेंगे। तो ये अलूर वाले जो हैं भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे भाई हैं, लेकिन आज तक इनसे मुलाकात ही नहीं हुई, जिस कारण है ना बड़े अच्छे बंदे हैं मेरे, फेसबुक फ्रेंड है और रिंग्स वगैरह का शो रखते हैं ना, बड़े हर रिंग पे लाइक वगैरह कर देते हैं। कासिम साहब अलूर के जो आ रहा है सेल्फी भी, हमने जनाब अलूर से नाश्ता किया है, मगज खाए हैं, कासिम ने पाए खाए हैं, सब ने बल्कि पाए खाए हैं, मगज खाए हैं और शाही चने खाए हैं, मजा आ गया, मजा आया जी, माशाल्लाह आ गया, बिल बहुत ज्यादा है लेकिन मजा आ गया, पैसे पूरे हो गए, पैसे पूरे हो गए, आज मरी फैजाबाद पिंडी अभी हम पहुंच गए जी, मरी पहुंच गए हैं। आप सब ने स्पेशल दुआ करनी है कि ऊपर स्नो फॉलिंग हो, क्योंकि मैं जितनी बार भी आया हूं मैंने आज तक स्नो फॉलिंग लाइव नहीं देखी, जब भी आए हैं बर्फ ही देखी है, उसका कोई फायदा नहीं है, मैं इस बार बड़ी दुआएं करके आया हूं कि मैं स्नो फॉलिंग देखूं। आप सब ने ना लाजमी दुआ करनी है, ठीक है, कि मैं स्नो फॉलिंग देखूं। अभी ऊपर जाते हैं, वैसे सुनने में तो आया हमारी स्पेशली दुआएं हैं। सुनो एहसान भाई सर्दी लग रही है, उस्मान आपका क्या हाल है? शुक्र है लगा आपने। हाँ माँ साहब ठंड आ गई नहीं? सोम भाई ठीक हो? सोम भाई ठंड आ गई नहीं? ठंड कोई नहीं है, ठंड यहाँ पे नहीं है, ऊपर ऊपर टॉप पे होगी ठंड, ठंड है मुझे लग रही है, मुझे बुखार होकर रास्ते में वॉमिटिंग आ रही थी, सर्दी बड़ी होगी, अभी थोड़ा कम सर्दी बड़ी होगी यार, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं इमरी के मशहूर वॉशरूम है, 20-20 रुपए वाले सारे जो है वॉशरूमों में गए हैं, सर्दी इतनी है सबको वॉशरूम आ गया। यहाँ से पथराठा ऊपर जाता है, पथराठा जो है ना चेयर लिफ्ट का टिकट ले गई है, सारा रास्ता ये वाइट जो है वाइट ग्रिल लगी हुई है ना लकड़ी की, ये वो ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ से चेयर लिफ्ट में बैठ के टॉप पे जाते हैं, फिर चेक करें चेयर लिफ्ट के लिए एंट्री, यहाँ से एंट्री होती है चेयर लिफ्ट पे जिसने भी जाना ना, ये सामने पार्किंग है, नीचे पार्किंग है बिल्कुल सामने, यहाँ से आपने ऊपर जाना है पैदल चल के, वहाँ से टिकट ले के तो फिर आपको वहाँ पर ना परमिशन मिलती है चेयर लिफ्ट पर बैठने की। बूबा जो है ना
हट 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 ठीक है बिल्कुल साथ भाई पिक्चर वाले खड़े हैं पिक्चर बनाएंगे कितने रुपए की है जी 200 की बिग साइज उसी टाइम कितनी देर में मिलती है वाह जी वाह क्या बात है क्विक सर्विस ये जनाब स्टॉल वगैरह लगे हैं चाय शाय कॉफी वगैरह वाले ग्लासेस भी हैं क्या बात है मजा आ गया यार यहाँ पे आपने अगर सर्दी लग रही ग्लव्स वगैरह ग्लासेस वगैरह टोपियाँ शोपियाँ बटवे शटवे घड़ियाँ सब कुछ मिलेगा हाँ साहब जिंदाबाद हाथ ला दो कैमरे में तेरा है तेरी खैर जी समा भाई क्या फिर मजा आ रहा है आपको जबरदस्त बारिश हो रही है हल्की हल्की चेक करें अंदर ये देखें बस दुआ करें ये स्नो में तब्दील हो जाए हाँ स्नो ऊपर पड़ी है इंशाल्लाह दुआ तो की है बड़ी आपने भी दुआ करनी है स्नो फॉल जरूर जरूर इस रास्ते में पहली बार जा रहा हूँ ये जो रास्ता है ना इस रास्ते से पहली बार जा रहा हूँ जब भी जाते थे ना हम ये लड़कों ने अपना शुगर मेला लगाया हुआ है ये जो रास्ता है ना ये वाला इधर से मैं पहली बार जा रहा हूँ माशाल्लाह शॉपिंग वाली शॉपें भी हैं जबरदस्त आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं क्या बात है बारिश तेज हो गई है चादर मेरी गाड़ी में पड़ी है ये तरह प्रॉब्लम हो गई है कोई बात नहीं कोई बात एंजॉय करने आए एंजॉय करेंगे ये देखिए सामा भाई चादर ले रहे हैं सामा भाई क्या हुआ सर्दी लग रही है सर्दी तो नहीं लग रही बारिश बहुत तेज है मेरी जो चादर है वो गाड़ी में पड़ी हुई है अच्छा भाई तो सर्दी बिल्कुल कम थी लेकिन अब सर्दी से बचने के लिए कुछ चादर वगैरह बारिश वगैरह के लिए क्योंकि अब वापस जाएंगे तो बड़ा देर लग जाएगी क्योंकि गाड़ी बड़ी दूर खड़ी हुई है बिल्कुल बिल्कुल तो अब देखेंगे कोई यहाँ से चादर ये देखें जी रेड लिस्ट लगी हुई है क्या बात है रेट मुनासिब है बहुत मुनासिब रेट है आपसे पेंशन आएंगे क्योंकि अभी हमने पत्रेटा जाना चेयर लिफ्ट जो है ना वहाँ पे बहुत रश लगा हुआ है अभी जल्दी से जल्दी वहाँ पे जाएंगे पहले पत्रेटा से चेयर लिफ्ट में एंजॉय करेंगे वापस आके फिर ये जो ना हॉर्स पे उर्दू गुलगाजी वाला स्टंट मारेंगे पूरा ये है जी आ गई है चेयर लिफ्टें ये दिखाओ शॉप्स बड़ी जबरदस्त शॉप है ये देखें ठंड में आइसक्रीम खाने का भी अपना ही मजा है और सल्लू भाई ठंड लग रही है कासम किधर गया अच्छा जी इस बंदे को फोटो का बहुत शौक है वो कासम जनाब वो देखें बड़ा जबरदस्त व्यू है जी क्या बात है ये क्या बेच रहे हो कितने के है 50 का 50 का सस्ता करो यार बच्चों को लाओ ना गिरा बीच में हैं इस का होता है आप कितने का दोगे आप ही ले लो एंजॉय करो ये लो चलो जी 20 और लेने ये लो नहीं नहीं उसको बस चलो जी ठीक है अल्लाह हाफिज़ खुश हो गए हैं हाँ चाची जी के हाल है ठीक हो चलो घर अंडे लेने ये लो गुड़िया ये गुड़िया को भी दे दो ये लो एंजॉय करो आप भी उनको और दे दी है 10 उसको भी दे दी 10 दे ठीक है अभी आपके साथ है ना आप साथ बंदे हो ना अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उस्मान एक आपके बाकी सारों को मैंने दे दिए ठीक हो गया ये मेरा अपना कुछ मैंने भी आपको आपने मुझे सारे दे दिए ठीक है अभी चलो ऊपर चले बारिश है लेकिन जाना तो मजबूरी है ₹1000 का टिकट है जी बताए ना पहले सस्ता था अब ₹1000 का हो गया लेकिन बहुत रीजनेबल है बहुत रीजनेबल है इसमें वापसी भी है जाना भी है वापसी भी है लाइफ को एंजॉय करें जनाब बारिश से बचाना अलहमदुल्ला आप चेक कर सकते हैं बारिश के साथ स्नो फॉलिंग भी स्टार्ट हो गई है अभी तो हम बहुत नीचे हैं अभी तो ऊपर बहुत ज्यादा स्नो फॉलिंग सारी ऊपर है बड़ा मजा आएगा तो फिर इंशाल्लाह आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने दुआ की है स्नो फॉलिंग के लिए मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नो फॉलिंग देखी है आमीन ये जनाब आप चेक कर सकते हैं जब आप टिकट लेते हैं उसके बाद ही रास्ता बड़ा प्यारा इससे आगे जाना है पूरे नजारे दिखाएंगे आपको फील कर रहे हैं स्नो फॉलिंग अभी लाइव शुरू हो गई है एक तो बात ये लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नो फॉलिंग देख रहा हूँ दूसरी बात ये कि लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है ना ये चेयर लिफ्ट पे बैठ रहा हूँ अच्छा क्या बात है जी अभी तो सामा भाई आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा जब आगे चेयर लिफ्ट पे जाएंगे मैंने पता नहीं अब वो देखा नहीं था ये अल्लाह तेनू वास्ता मेनू गुनाह माफ कर दे बड़े बड़े लोगों की वीडियो देखे हैं देखते हो डर है मेरे पीर मेरे लिशा काजी करने वाले गुनाहगार हूं बस कारूं मेरे सोने पीर मेरे लिशा मैंने माला प्रेम करे मेरे सोने पीर मेरे लिशा सामा भाई वैसे चेयर लिफ्ट पे जो ज्यादा मजा है डर लगता है
दूसरी पे इतना मजा नहीं आता, कुछ भी नहीं मजा आता है। ओ वाह जी वाह, चलो आओ जी, जबरदस्त हो गया, गुड हो गया। किधर है चेयर लिफ्ट? ये देखे ये चेयर लिफ्टें आ गई हैं, ये देखें सामा भाई ध्यान से। एक बार आपका पता है ना, अम्ब्रेला वाटरफॉल पे भी आप गिरे थे। सल्लू भाई पूरी तिपाई, सुलेमान बादशाह वो चिल कर रहे हैं अभी मौसम को। टीम मामा स्पोर्ट वाले सुलेमान बादशाह आ जाए। सामा भाई एक बात बताऊं आपको, जल्दी नहीं आपने करनी, ये देख रहे हैं ये दो के जो है ना चेयर लिफ्ट आ रही है, तो जो वो बंद वाली है ना उस पे आपने बैठना है, जल्दी वाली नहीं करनी, नहीं तो आपने बिल्कुल ब्लॉक हो जाना। ये पक्की बात है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कितनी जबरदस्त डिजिटल काम है, माशाल्लाह मजा आ रहा है। सामा भाई मैं ना तकरीबन 3-4 साल पहले बाइक पे आया था, उस टाइम मैंने 1000 रुपए की टिकट ली थी, तो अभी भी रेट यार बड़ी बात है, 1000 भी इसका बड़ी मुनासिब है। क्या बात, आप सब एंजॉय करें, लाइफ को एंजॉय करें जनाब, इतनी जाना सारा कोई पैसा इधर ही आगे ना आए, इधर इंजॉय करें, थोड़े से पैसे लगते हैं 150 एंजॉय आ जाता है। वो ऊपर देख रहे हैं आप वो सामने, इसकी वजह से सारा जो है ना वो चलती है, चेयर लिफ्ट वगैरह ना, ये सारी जो है ना मशीनरी लगी हुई है इस रूम के अंदर। लड़के देख के हंसने में ये क्या लगे, बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है, ये चेक करें, ओए हो बहुत तेज़ बारिश हो गई है। ये चार है बाकी, ठीक हो गया, एक ये रखते हैं बाकी चार वापस देते हैं, आगे जाएंगे एक और वो काटेंगे, फिर वापसी पे ये दो काम आएंगे और वापस पे फिर हम खाली हाथ वापस घर। बड़ी तेज़ बारिश, ये चेक करें जी, इसमें नहीं बैठना, गलती भी नहीं करनी है आपने, इसमें कभी भी बैठना क्योंकि ये बारिश से गीले हो जाएंगे कपड़े सारे। कैबिन वाली में बैठेंगे जिसमें हमारे कपड़े गीले ना, वो कैबिन वाली आ गई, ये कैबिन वाली आ गई येलो, ये आ गई। ओ हैर ओए मिर्ज़ा वाली, क्या बात है क्या बात है, ये आ गई है जी जिसमें मैंने और सलमान भाई ने बैठना है, मैं तो चार मार के पाऊँगा। ओहो ये तो प्रैंक हो गया, ये तो प्रैंक हो गया, वो आगे वाले खड़े हुए हैं, छाल मारो छाल मारो। सल्लू भाई ओ इसका ऊपर वाला है कौन ही है, यो कौन ही है ऊपर वाला है ना, ओए है किसी, अच्छा अच्छा अच्छा, ए बिस्मिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बैठ गए हम लोग, ये चेक करें बारिश बहुत तेज है, हमने ये बंद वाला लिया कैबिन। सल्लू भाई मजा आ रहा है, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है ना ये बैठ रहा हूँ, लेकिन बाहर बारिश इतनी तेज है कि हमें जो है ना ये बंद वाला लेना पड़े, वैसे हमने लेनी थी दूसरी ओपन वाली, लेकिन बारिश इतनी तेज है आप देख सकते हैं कपड़े हमारे सारे खराब हो गए थे, इसीलिए हमने जो है ना ये ऊपर से जो बंद हुई थी ना कैबिन वाली वो लिया हमने। ये चेक करें जी मरी के टॉप पे जो है ना, ये चेक करें मरी के टॉप पे जो गा रहे हैं, ये पता नहीं किस तरह सर्वाइव करते होंगे यहाँ पे, अल्लाह पाक की हिफाजत करे, बहुत ऊंचाई पे गा रहे हैं अभी ना, अभी हम बादलों के दरमियान में, ये चेक करें ये सारे बादल जिधर अभी खड़े हैं ना हम, तो ये इतनी ऊंचाई पे इनके गा रहे हैं, क्या बताएं आपको, ये चेक करें नीचे जितना भी नज़र आ रहे हैं ना ये सब गा रहे हैं, और इसके अंदर लोग रह रहे हैं, और ये जितना भी माशाल्लाह आप देखें कितनी ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे, बहुत टॉप पे हम आ चुके हैं अभी इस टाइम ना, लेट्स मेक पाकिस्तान ब्यूटीफुल माशाल्लाह। आप भी हैं जी मरी का मौसम इंजॉय करने वाला है, बहुत ज़बरदस्त स्नो फॉलिंग हो रही है, अभी यहाँ पे थोड़ी कम है, ऊपर बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही है, जो भी बंदा ऊपर से नीचे आ रहा है वो कह रहा है जी ऊपर बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही है, अभी ऊपर जाते हैं देखते हैं कि क्या जो है ना सूरत हाल है मौसम की। यार ये दरख्त बहुत नाइस है माशाल्लाह, मुझे वैसे भी प्लांट्स बहुत पसंद है, ट्रीज़ और प्लांट्स बहुत पसंद है मुझे ना, इसको हम बंद भी कर सकते हैं, ज़बरदस्त खोलो वीडियो बनेगी सबने, और कसम लोग पहुँच गए, ये सब खड़े हुए हैं, ये सब हमारी टीम ऑलरेडी, ये सारी हमारी टीम, जबरदस्त 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 जनाब जबरदस्त, और लेना भी है ना। ये जनाब कैसा रहा है आपका जनाब उस्मान, कैसा, ओ इधर हो जाओ कसीम आगे हो जाओ, कैसा रहा है आपका, कैसा रहा है आपका, जबरदस्त जबरदस्त मजा आया, एक दो बार चेयर लिफ्ट बंद हो गई, मैंने क्या खराब हो गई, हमारी भी जो है ना एक दो बार चेयर लिफ्ट बंद हो गई है, तो हमने समझा कि शायद बिजली चली गई है जी, वैसी रुकती होगी थोड़ी देर, बड़ा जबरदस्त यार एनवायरनमेंट था, मजा आ गया, मौसम ठंडा था, अभी आगे और अभी ऊपर जा रहे हैं, अभी हम बड़ी ऊंचाई पे जा रहे हैं, असल जो स्नो फॉलिंग है ना ऊपर अभी हम जनाब पहली बारी जो चेयर लिफ्ट थी जिसमें मैं और सलमान भाई बैठे थे उसे उतर गए हैं, अभी बड़ी बारी आ रही है, अभी हम इसमें बैठेंगे, तो अभी इसमें पहले तो हम दो बैठे थे ना, इसमें तकरीबन हम 6-7-8 लोग बैठेंगे, क्या बात है यार बड़ी लेटेस्ट मॉडल की यार ये जो है ना बने हुए कैबिन। सामा भाई कैसा लग रहा है जनाब, अल्लाह का शुक्र चेक करें कितनी जबरदस्त, ऐसे लग रहा है कि हम इंग्लैंड में फिर रहे हैं,
जनाब क्या बात है। और सलमान भाई यार लेटेस्ट। और एमडी साहब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहुंच गए। यार क्या बात है, क्या बात है, यकीन मानो ऐसा लगता है इंग्लैंड। और मजा आ रहा है जी, केबल कार में भी और चेयर लिफ्ट में भी बहुत मजा आया। चेक करें आप कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी वाली है ना, खुशी होती है माशाल्लाह। इस तरह का जब देख रहे हैं ना दिल खुश होता है हमारा। अल्लाह पाक इससे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी। सलमान भाई को क्या हो गया है, कोई बंदा वो ठंड लग गई है इनको। हां ना एंजॉय कर रहे हैं ना माशाल्लाह। अबू भाई कहता है शीशा वो बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया। इस टाइम हम हवा की बुलंदियों में जनाब, बहुत ऊंचाई पे हम, आप देख सकते हैं केबल कार में बैठे हुए हैं, एक कैबिन कार में, सॉरी कैबिन कार या केबल लिफ्ट में, जो भी कह लें आप इसको। तो जबरदस्त है यार, इतना सस्ता है, इतना मुनासिब, सिर्फ 1000 रुपए में। हमने 1000 रुपए में दो चेयर लिफ्ट भी ली है और ये केबिन वाली भी ली है। तो इसमें जबरदस्त हमें फायदा ये हुआ। आप चेक कर सकते हैं बाहर इतनी तेज बारिश है, अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है, हमारे जरा भी कपड़े गीले नहीं हुए। मजा आ गया यार, फैसिलिटीज है, बहुत फैसिलिटीज है। 1000 रुपया कुछ भी नहीं है इतनी सब। क्यों जी, बिल्कुल मजा। आप भी यहाँ एंजॉय करें यार लाइफ को, यही लाइफ इधर ही जाए ना सारा कुछ। हाँ तो ये उस्मान कहते हैं चुप करें, मैंने जरा स्नैपचैट में बना दिया स्ट्रीक, दिखाओ ना जरा। चलो वो बनाओ, लाइव बनाओ, बनाओ लाइव खुली है। मुझे बड़ा बुरा लगता है जब ये स्नैपचैट पे लड़कियों वाले फिल्टर लगाते हैं ना, अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत बनाया हुआ है तो फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या कहना चाह रहे थे, बात करके कोरोना बंद बजाते हैं। क्या करें नीचे कितनी बर्फ, ये वाइट है, ये वाइट नजर है सब जो है ये। उनका रोज का काम है स्नो फॉलिंग। देखें आप, यहाँ पे बहुत स्नो फॉलिंग है। अभी मैंने हॉट चॉकलेट जो है ना अपनी लगवाई है, काफी हॉट चॉकलेट, ज्यादा डालना चॉकलेट, ठीक है। अभी हम गन पॉइंट चेक करके अपने निशाने चेक करेंगे। पहले मैंने टिकटॉक की वीडियो बनाई है, उसमें माशाल्लाह 5 के 5 मैंने फायर मारे हैं और 5 के 5 जो है ना सक्सेसफुल रहे हैं। अभी यूट्यूब के लिए बना रहे हैं इस शेप में, तो ये चेक करते हैं कि 5 मारेंगे तो कितने लगते हैं। 5 में से आप कमेंट करके बताएं वीडियो को स्टॉप करके कि 5 में से कितने लगेंगे। तो बाकी मेरे ख्याल से इंशाल्लाह 5 से 5 लगाऊंगा। गाना चाहिए यार, ठीक है, ओ खैर 1 सक्सेसफुल 15 के हो गए, 1 डन हो गया, 2 ठीक है जी। और है मेरे को तो 2 लाइक है ना, 10 तो है मुझे पहले पॉइंट फ्री हो गए, ओ खैर 2 डन कौन मार रहा था। आपको पता बचपन से शौक है मुझे 10 तो मेरे 4 का 4 डन, क्या बात है बेटा। 13 है 2 4 15 हो जाएंगे बाबा जी, बताए कितने हुए हैं अभी तक। 4 के 9 के 9 लगे, 9 के 9 लगे हैं, 5 टिकटॉक वाले वो भी लगे हैं, 4 यूट्यूब वाले ये भी लगे हैं। हां भाई लास्ट है, गनमैन तो नहीं है अब, नहीं नहीं लगता गनमैन रहे हैं आप। तेरी खैर, ऑल डन बाबा जी, सारे सही लगे हैं बाबा जी को, भी पैसे भी दे रहे हैं ना बाबा जी, बहुत मुनासिब पैसे लेते हैं। जब भी आप आए आपने चाचू के पास लाजमी आना है, एक तो बहुत मुनासिब पैसे हैं और एडवेंचर भी हो जाता है ये ना चाचू जी, आप और बहुत मुनासिब पैसे हैं एडवेंचर, ये भी यही चीजें आपकी याद रहती हैं। अब वीडियो बनाइए पूरी जिंदगी हम देखेंगे, हमें मजा आएगा, तो आप भी आए ये चीजें एंजॉय करें। चाचू जी कैसी लगी है मेरी शॉटें, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अभी हम जा रहे हैं बहुत ही टॉप पे, मरी के बहुत ही टॉप पे जा रहे हैं, कौन सी जगह साथ, कश्मीर पॉइंट, कश्मीर पॉइंट में चश्मा देखने जा रहे हैं और घोड़े की राइड भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद कर रहा हूँ। चेक करें आप, स्नो फॉलिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है, बड़ी स्लो है लेकिन अभी कभी कभी रुक जाती है, कभी कभी हो जाती है। तो ये चेक करें आप, खुद अल्हम्दुलिल्लाह घोड़ा चला रहे हैं जबरदस्त माशाल्लाह।
बहुत दूर आ गए हैं जी माशाल्लाह। बाकी सारे उनको पता ही नहीं है हम किधर हैं। हम इस टाइम कश्मीर पॉइंट पे आए हुए हैं। ये भाई घोड़े वाले जो भाई की मेहरबानी हो, इन्होंने माशाल्लाह एक्सेस भी दे दिया अपना घोड़ा मुझे, मेरे वाले कर दिए, बड़ी बात है। वैसे ये लोग देते नहीं है किसी को भी, तो इनको मैंने कहा बताया, मैंने कहा यार मैं इसकी राइड कर सकता हूँ, तो इन्होंने मुझे दे दिया, मतलब मैं पूरा रास्ता खुद चला गया हूँ। तो भाई जान सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, तो देखें कैमरे में बहुत शुक्रिया जनाब आपका सबसे पहले। तो दूसरी बात है ये अभी हाफिज़ साहब भी माशाल्लाह पहुँच गए हमारे साथ, और हाफिज़ साहब जो है अपना पिक्चर्स वगैरह भी बना ली हैं अभी। तो अभी हम जो कश्मीर पॉइंट कितनी दूर रह गए अभी, चलो जी चलते हैं आगे जी। अब चले स्टार्ट करें ना, बिस्मिल्लाह। असली मज़ा तो हमने ले लिया, बाकी सारे तो वैसे ही उधर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हम लोग तो इधर पूरा इंजॉय कर रहे हैं। उर्तुगुल गाजी और आगे सुमान गाजी दोनों जो है, दोनों जनाब अपने कई कबीले का रवाना हुए हुए हैं। माशाल्लाह सुजल, क्या बात है, अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, चेक करें खूबसूरती, माशाल्लाह। चीता है ना यहाँ पे, तो जरी पता फॉरेस्ट में चीता नहीं होना, तो और क्या होना। यहाँ पे लेपर्ड्स भी पाए गए हैं। ये भाई कहते हैं घोड़े वाले कि इसी जंगल जिधर हम मौजूद हैं अभी, यहाँ पे लेपर्ड्स भी हैं। इन्होंने परसों देखा अपनी आंखों से, अल्लाह वाह खैर करे ना साढ़े ही ना चढ़ जाए। ये चश्मे, यहाँ से लोग पानी वगैरह पीते हैं, लेकिन अभी तो ये जमा हुआ सारा, अभी तो ये सारा फ्रीज होया हुआ, क्या बात है। ये जो भाई हैं जो हॉर्स वाले भाई हैं, ये इधर ही रहते हैं भाई, इधर आए ना जरा वीडियो में। जी जी। आप लोग कैसे सरवाइव करते हो इधर, कैसे रहते हो, खाना पीना ये वो? इधर बहुत मुश्किल है। और आपको दूसरी बात महंगाई भी ज्यादा होगी, क्योंकि जरी बड़ा सामान आपका दूसरी बहुत दूर से आता है। इधर देखो जरा कैमरे में, जी जी, आपका सामान बहुत दूर से आता है, मतलब पंजाब से आता है, तो आपको तो डबल ट्रिपल रेटों में मिलता होगा खाना। 3500 रुपए का 20 किलो वाला आटे का था, तो वो वहाँ पे कितने का पंजाब में? उधर तो भाई 3280 रुपए का मिल रहा है। 3280 तो आपको कितने का? इधर 3500 का मिल। चलो इतना फर्क नहीं है, इतना तो ज्यादा फर्क रहा है कि वैसे मुझे लगा भी आधो आध फर्क है। ये 200-100 रुपए सही बात है, ये तो फर्क पड़ता है। हमें भी जो चीजें दूर से आती है ना, हमें भी तकरीबन 400-500 महंगी मिलती है, जरी पता है उसमें ट्रैवल का एक्सपेंस आ जाता है ना। बाकी ये अल्लाह ताला आपको इधर रहने की जो है ना हिम्मत है। गर्मियों में तो बड़ा मजा आता होगा यहाँ पे आपको, गर्मियों में जी? गर्मियों में तो बहुत मजा आता होगा रहते हुए आपको, सर्दियों में तो यार मुश्किल है ना, वही तो -9-10 होता होगा रात को इधर, मतलब माइनस में जाता है ना रोज। आज मन भी तो नहीं है, यार दुआ करो ना, मैं जाते जाते ये स्नो फॉलिंग देख लूँ। आप लोग भी जब भी इधर आए ना, लाजमी है एक तो हॉर्स की राइड लाजमी लिया करें, उससे ये होता है कि आपकी लाइफ का एक ना मेमोरी बन जाती है। दूसरी बात ये है कि ये भाई लोग जो है इधर रहते हैं, इनका कारोबार का यही जो है ना, सिर्फ ये जितने भी मतलब ये घोड़े वाले ना, ये इनका सिर्फ मतलब यही है रोजगार का जरिया, यही है। इसका आपको स्वाद भी मिलेगा, उसका उसकी वजह ये है कि जब आप आएंगे इनको आप पैसे देंगे, जहरी पता इनका घर का सिस्टम सारा इसी से चलता है, तो आपको आपको फ़ायदा भी है और स्वाब भी है। आपका फ़ायदा ये है कि आपकी ज़रा मेमोरी बन जाएगी लाइफ टाइम, आप याद रखेंगे कि क्या आपने इतनी लंबी राइड ली थी। मेरी तकरीबन ये राइड 1 घंटे की है, आना जाना तकरीबन 1 घंटा, और सिर्फ 1000 रुपया। मैं समझता हूँ 2 घोड़ों की 2000 रुपये, मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तकरीबन, समझ रहे हैं ना आप बात को। ये मेरी लाइफ का एक समझ लें कि एक बड़ा जो है ना यादगार मेरे लिए बन गया। और दूसरा फ़ायदा ये है कि चलो मैं इन लोगों की यहाँ पे आके ना, अगर आपने राइड ली भी है दोबारा ले लें, उससे आप स्वाब की नीयत से लेंगे ना, अगर कि मैं लूँगा चलो इनको फ़ायदा होगा, उससे आपको स्वाब भी मिलेगा, अजर भी मिलेगा, सरगा जारिया भी है वो। तो आप आएँ इधर, आप लाजमी जो है ना एडवेंचर के लिए यहाँ पे आके राइड वगैरह भी लें, उससे ये है कि आपकी लाइफ का एक वो मेमोरी बन जाएगी, उसके बाद इनको भी फ़ायदा होगा। जहरी पता है इनका सिर्फ और सिर्फ जो है ना खाने पीने का सिस्टम यहाँ इसी चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, लेकिन आपने यहाँ पे आके ऐसे लोगों का लाजमी ख्याल रखना है, चाय पीनी है, खाना खाना है, सारा कुछ करना है। क्या करें, पानी पीना है सर? पानी चश्मे का? जी जी। कौन सा चश्मा है, लेके चले ना ऊपर जरा, ऊपर घोड़ा सर स्लिप होगा ना, घोड़ा स्लिप होगा, किधर है ये? इसके टंकी के अंदर है ना ये छोटा चश्मा। यार कोशिश करो ना अगर ज्यादा घोड़ा तो जाएगा, इससे भी मुश्किल रस्ते गए हैं, इससे स्लिप होगा, आपने डरना नहीं है बस। मैं नहीं डरूंगा अल्लाह के हुक्म से, आप बेफिक्र हो जाओ, आप बेफिक्र हो जाओ, मेरी टेंशन नहीं लेनी है आपने, इंशाल्लाह तवज्जो। मैं जो है ना बहादुर बेटा हूँ मामा का, अपनी माँ का बहादुर बेटा हूँ, मुझे टेंशन कोई नहीं। अल्लाह अकबर, इसके अंदर है पानी वो। हाँ ये पानी आ रहा है, ये कितना पुराना कुआ है? बहुत पुराना है जी जी, ये बहुत पुराना है, सब इधर से ही पानी, जो आगे होटल पे जाते हैं सब इधर से ही। ये जो हम लोग पी रहे हैं वहाँ पे जी जी, ये पानी चश्मे का पानी है, यहाँ ये जो है ये बर्फ का पिघला हुआ है। नहीं नहीं, अगर बर्फ ना भी हो ना, ये पानी ऐसे ही है, ये कुदरती अल्लाह का निजाम है, चले चलते हैं वापस, बस ये देखना ही था। उसके बाद इधर से नीचे जाता है, ये भी लोग पीते हैं, ये जो पाइप लाइन लगी हुई है ना, हाँ हाँ, इसी के गांव में जाती है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आप लोगों के जो घरों में पानी चल रहा है जो पी रहे हैं आप लोग, वो ये जो स्टोर होया हुआ है वहाँ पे, लेकिन आप ये बर्फ होएगी तो इसको तोड़ के लेके जाओगे फिर घर जाके उबालोगे इसको?
इसको हाँ नहीं पानी पानी जो जमा हुआ है ना वहाँ पे मैंने देखा माशाल्लाह ये पानी बहुत है सर। अच्छा ये काम नहीं हुआ कभी भी? नहीं नहीं ये ऐसे ही रहता है। बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर हो गया। अभी मैंने जाके अपने दोस्तों को वीडियो दिखानी है ना, फिर वो लोग भी आएंगे, उनका भी दिल करेगा। सारी बात है हम तकरीबन एक घंटे से इंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल अकेले। आप सब यहाँ इंजॉय करें लाइफ को, ये चेक करें यार क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त व्यू माशाल्लाह। घोड़े क्या खवाते हो? चोकर चना बुरा भोजन पो। वाह जी वाह वाह जी वाह, गर्म खुराक जहरी बात है, ठंड लगती है ना। उस्ताद देखो जरा इन्हें आखो उसामा भट्ट व्लॉग को सब्सक्राइब करें। उसामा भट्ट व्लॉग को सब्सक्राइब करें। उसामा भट्ट ऐसे तक के गोना तेरा उची बात ना। उसामा भट्ट, उसामा भट्ट व्लॉग्स, व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, को सब्सक्राइब करें। हां एक उन पूरा बोलो वाला लफ्ज पूरा बोलो ना, नाल बोलो ना सब बड़े बंदे यार बोलो। उसामा भट्ट व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। उसामा भट्ट को, उसामा भट्ट व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। उसामा भट्ट व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। हां जी क्या बात है, जबरदस्त हो गया। ये आपका गांव का नाम क्या है? ये वाला जिस जगह पे भी हम जिस पॉइंट में हैं रिंग्स वगैरह मंगवाते हैं, बड़े शौकीन है यहाँ के भी हमारे जो है ना कस्टमर। तो ये एक लहदा व्लॉग है, ये छोटी सी गपशप भाई से होगी है। तो आप भी जब यहाँ पे आए तो आपने यहाँ पे जरूर इंजॉय करना है, भाइयों से मुलाकात करनी है। यार मुझे पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो मरी के जो अच्छे लोग नहीं हैं, ये लोग तो बड़े अच्छे हैं, इतने अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं। लाला जी वो बंदे केड़े ने जेडे लोग जेडे दिन मरी दे लोग नहीं चंगे, वो केड़े लोग हैं? क्या ही उन्होंने बारे च नहीं, वो कौन है, किथे देने हो तुसी लोग? यार तुसी तो बड़े चंगे बंदे हो, पंजे उंगलियां बराबर नहीं होंदियां, बड़ी गहरी गल कीती है माशाल्लाह। नहीं वैसे इस इलाके दे नो भी माल रोड दो नंबरी है यार, बस बंदा ठीक होए ना आपू। लेकिन जो पता क्या हो मरीज जेड़े ना लोगों ने किता ना रेट जो ज्यादा लेने होटलों के पिछले साल, ता करके लोगों को दुख होया सी। बाकी को नहीं दौला ऐसी गल कोई नहीं है, लोग अच्छे ने, तुम आओ इंजॉय करो इतने जरा ना। तो इस ब्लॉग का करने इतनी एंड असी करने, उम्मीद है तुम्हें यह ब्लॉग पसंद आया होना है। अगर तुम्हें ब्लॉग पसंद आया तो साढ़े चैनल लाइक करो शेयर करो। ऐसे सिर्फ जो मैं क्या भी सैपरेट अपलोड करा ना, ये जो है ना हमारे अफजल साहब भी जो है ना, ये भी हमारा इन्होंने पूरी राइड ली है जनाब, मज़ा लिया। हाँ जी अफज मज़ा आया? तो हाँ स्नो फॉलिंग की यार ख्वाहिश रह गई है, अल्लाह बा खैर करे। मैं इधर आया था, मैंने कहा यार स्नो फॉलिंग देख लूँ। अच्छा जी लाइफ में मैंने आज तक स्नो फॉलिंग नहीं देखी, स्नो फॉलिंग देखी नहीं आज तक मैंने। तो बस ये भी नसीब की बात है, आज भी आए हैं इसी आस उम्मीद से आए थे, क्योंकि गूगल हमें बता रहा था कि वेदर बता रहा था कि आज स्नो फॉलिंग है। तो भाई बता रहे हैं कि सुबह सुबह हुई है, लेकिन जहरी बात जब हम आए उस टाइम तो ही नहीं, हम 10 बजे पूरे इधर पहुँच गए थे 11 बजे, तो हमने स्नो फॉलिंग नहीं देखी। तो अल्लाह करे कि जाते जाते हमें स्नो फॉलिंग का नज़ारा हो जाए, तो हमारी भी ज़रा मेमोरी और बढ़ जाएगी।